हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम शालू है, फ्रॉम पम्मी ब्यूटी पार्लर। मेरे चैनल का नाम पम्मी ब्यूटी वर्ल्ड है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपके लिए लाए हैं रिका वैक्सिंग। आज का हमारा टॉपिक है रिका वैक्स। तो रिका वैक्स करने के लिए हमें चाहिए रिका वैक्स का डिब्बा, वैक्सिंग नाइफ, वैक्सिंग स्ट्रिप्स और कोकोनट ऑयल, साथ में पाउडर पफ जिससे कि हम अच्छे से पाउडर लगा सकें। सारा मटेरियल जो हम वैक्सीन के लिए यूज़ कर रहे हैं वो स्क्रीन पर शो हो रहा है, ध्यान से देखें। रिका वैक्स में हम चॉकलेट वैक्स कर रहे हैं, मिल्क की चॉकलेट वैक्स। और सबसे पहले हमने पाउडर लगा लिया है और हम चेयर पर बिठाकर ही रिका वैक्स कर रहे हैं। और रिका वैक्स करने से पहले हमें अपने हैंड्स अच्छे से क्लीन कर लेने चाहिए। हैंड्स पर किसी तरह का मॉइस्चराइज़र, बॉडी लोशन या फिर ऑयल नहीं लगा होना चाहिए, अदरवाइज़ वैक्सिंग अच्छी तरह नहीं हो पाएगी। और वैक्सिंग करने से पहले आपको ये देखना है कि वैक्सिंग से पहले आपकी स्किन कैसी है। अगर आपकी स्किन ओवर ड्राई है, अगर नॉर्मल स्किन है तो आप पाउडर लगा के वैक्स कर सकते हो, पर अगर ओवर ड्राई है तो आप हल्का सा कोकोनट ऑयल लगाओगे और उसे अच्छे से स्किन पर मसाज कर दोगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा लगाओगे तब भी आपकी वैक्स नहीं हो पाएगी। और फिर एक टिश्यू पेपर लेके अच्छे से एक्स्ट्रा ऑयल को रिमूव कर दोगे, फिर उसके बाद आप वैक्सिंग का प्रोसीजर स्टार्ट करोगे, अदरवाइज़ आपकी वैक्सिंग अच्छी नहीं हो पाएगी। वैक्सिंग करने के लिए आपको स्किन की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे क्लाइंट हैं उनकी स्किन नॉर्मल है, ना ज़्यादा ऑयली ना ज़्यादा ड्राई, इसलिए हमने डायरेक्ट पाउडर लगाकर वैक्सिंग स्टार्ट कर दी है। आपने वैक्सिंग करते समय ये ध्यान रखना है कि बालों की डायरेक्शन की तरफ वैक्सिंग लगानी है और अपोजिट डायरेक्शन में आपको वैक्सिंग स्ट्रिप्स को पुल कर देना है। रिका वैक्स में जब भी आप रिका वैक्स लगाते हो नहीं, जेंटली ही आपको वैक्स कर देनी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, नहीं तो आपकी वैक्सिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी। वैक्स लगाओ, ज़्यादा रब करने की ज़रूरत नहीं, नॉर्मली हल्का सा प्रेशर डालते ही स्ट्रिप्स को पुल कर दो, तभी आपसे अच्छे से वैक्सिंग हो पाएगी, अदरवाइज़ आप अच्छे से वैक्स नहीं कर पाओगे। आपको स्किन की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि स्किन कैसी है, सेंसिटिव है, ओवर ड्राई है या ऑयली है, इसलिए स्किन का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। और रिका वैक्स करते समय यह भी ध्यान रखें, वैक्सिंग करते समय यह भी ध्यान रखें कि वैक्सिंग ज़्यादा गर्म ना हो। वैसे तो हम पार्लर में बहुत सारी वैक्स करते हैं, एलोवेरा वैक्स, चॉकलेट वैक्स, सिंपल वैक्स, हनी वैक्स, पर जो रिका वैक्स होती है वह बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होती है। उस वैक्स से हमें बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, जैसे कि यह वैक्स हमारे स्किन में जो टैनिंग हो जाती है, सन की टैनिंग हो जाती है या नॉर्मली वैसे टैनिंग होती है, उसे बहुत अच्छे से रिमूव कर देती है। और टैनिंग रिमूव करने के साथ जितना भी छोटे से छोटा हेयर हो वो उसे पुल करके ले आती है। इसको बार बार रीएप्लीकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यह एक ही बार में ही बहुत अच्छे से सारी हेयर्स को पुल कर लेती है और हमारी स्किन को क्लीन कर देती है। अब देखिए हमारी बाजू के साइड के हेयर्स लेटे हुए हैं, ऐसे में आपने उसी डायरेक्शन में वैक्स लगानी है और वैक्स को पुल कर देना है। आपने वैक्सिंग की डायरेक्शन का स्पेशली ध्यान देना है ताकि आपके हेयर्स अच्छे से आएं, डायरेक्शन चेंज होकर ना आएं। जब भी हम नॉर्मल वैक्स से वैक्सिंग करवाते हैं तो हमारे हेयर्स वन मंथ में वापस रीग्रोथ हो जाती है, पर रिका वैक्स से क्या होता है कि हमारी ग्रोथ बहुत लेट होती है। कम से कम जो रीग्रोथ हमारी वन मंथ में हो जाती है, टू एंड हाफ मंथ में या टू मंथ में होती है। ऐसा क्या होता है, इससे क्या होता है कि ये हमारे हेयर गेन के प्रोसीजर को स्लो कर देती है, क्योंकि ये जो हमारी अंडर रूट होती है उस तक को खींच लेती है, जिससे कि हमारा हेयर्स काफ़ी लेट आता है और हमारी ग्रोथ थोड़ी कम भी हो जाती है, जैसे हम रिका वैक्स का यूज़ करते हैं। इससे हमें बहुत ज़्यादा इसी चीज़ का इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ता है कि हमें हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम जो होती है कम हो जाती है, और जो हेयर आता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ज़्यादा हार्ड हेयर नहीं होता। कुछ कस्टमर पूछते हैं कि इटालियन वैक्स क्या होती है। रिका वैक्स को ही इटालियन वैक्स कहते हैं। रिका वैक्स बहुत सारे फ्लेवर में मिलती है।
जैसे कि चॉकलेट वैक्स, ब्राउन चॉकलेट वैक्स, मिल्की वैक्स, एलोवेरा वैक्स, तो इसके भी अलग अलग फ्लेवर। रीका वैक्स का प्रोसीजर पूरा हो जाने के बाद नॉर्मली जो हम वैक्स करते हैं तो हम उसे अच्छे से पानी से क्लीन कर देते हैं, उसके बाद वैक्स आफ्टर वैक्सिंग जेल लगा देते हैं और हल्की सी मसाज कर देते हैं। पर रीका वैक्स में ऐसा नहीं, अगर आपने रीका वैक्स करने के बाद पानी यूज़ किया तो वह वैक्स वहीं की वहीं जम जाएगी और उतरेगी नहीं। ऐसे में आपने क्या ध्यान देना है कि आप जब भी रीका वैक्स करो तो उसके बाद आफ्टर वैक्सिंग लोशन आता है उसे यूज़ कर सकते हो, पर अगर आपके पास आफ्टर वैक्सिंग लोशन ना हो तो आप कोकोनट ऑयल से मसाज कर सकते हो अच्छे से। इससे जितनी भी एक्स्ट्रा वैक्स आपकी बॉडी पर लगी हुई है वो अच्छे से रिमूव हो जाएगी और कहीं भी चिपचिप नहीं करेगी। तो इसका अल्टरनेट है हमारा कोकोनट ऑयल, जो कि हमने आपको स्टार्टिंग से दिखाया था। कोई भी कोकोनट आप ऑयल यूज़ कर सकते हो और कोकोनट ऑयल को अच्छे से मसाज करने के बाद आप अच्छे से रिमूव करके पानी से और मॉइस्चराइज़र से मसाज कर दो, आपकी वैक्सिंग अच्छे से हो जाएगी। तो वैक्सिंग का अगला प्रोसीजर जो है कि आपको सामने दिखाया जा रहा है, ध्यान से देखें और समझें किस तरीके से वैक्स करनी है। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माई चैनल और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।